रिएक्शन हुआ होगा? नहीं मम्मी, मैं वही क्रीम यूज किया जो हर रोज यूज करती हूँ। बहुत जलन हो रहा है बेटा। मैं दवा लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। माय गॉड, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं, उसी की वजह से हुआ है ये सब। किसकी वजह से? कनक की वजह से। वो जब से यहाँ पे आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है सर, और उसने कुछ किया है। बेटा ऐसा नहीं कहते, कनक तुम्हारी बहन है। उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया? उसके माँ बाप की मौत हो गई है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके मासी, देखा ना मासी, मेरे हाथ से अचानक खून कैसे निकलने लगा। ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा है और इसके चेहरे पे ऐसे दाग, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये सब बस आदमी की वजह से हो रहा है। किस आदमी की वजह से? वही मौसी जो हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे। प्रोफेसर आनंद? हाँ। नहीं नहीं कनक, वो दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। मौसी आपको याद है वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो देखो ना मौसी, मुसीबत आ गई। हर शशना के चेहरे पे निशान बन गए और मेरे हाथ से खून बहने लगा। मुझे तो लगता है शायद वो इसी मुसीबत की बात कर रहे थे। अब हाँ। नहीं नहीं ये सब बकवास है, तुम ऐसा मत सोचो। देखो कितना खून बह रहा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ। ओके बेटा, अभी डैडी आ जाएंगे। ओके आ जाओ, चलिए चलिए। मुझे कनक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस लड़की ने जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है प्रोफेसर अंकल उसके वजह से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। सर दवाई? मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे यहां से जाना है। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, पता नहीं ये लोग यहां से मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, मेरा जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से जाना है। जाना है लेकिन क्यों? देखिए मेरी जान को खतरा है। देखिए आपकी हालत ठीक नहीं है, इस हालत में अगर आप बाहर जाएंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। कौन मारेगा आपको? एक बुरी आत्मा। आत्मा? देखिए प्रोफेसर साहब आप मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ से जाना है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ताकि ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। आपकी हालत ठीक नहीं है। देखिए ऐसे में आप, देखिए आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज आप यहाँ से ऐसे मत जाइए प्लीज। नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो यहाँ कभी भी आ सकती है, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। क्यों तुमने खाना खा लिया? हाँ मम्मी, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। ये कनक नहीं है, ये कनक नहीं है, ये कोई और है। मुझे पता करना होगा ये कौन है। What is this? ये मेरे फोटो पे निशान कैसे? ये तो खून के निशान है। और ये दांत? कहीं ये किंग और टाइगर के तो नहीं है? और ये फोटो कनक के कमरे में कैसे है? ये सब कनक का ही काम है। ठीक है ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे भी बने हैं। Oh God. Oh God. Don't tell it.
सारे दाग गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे बने और अचानक ही गायब हो गए। जरूर कुछ कर पा रहे हैं। एक बार मारने की कोशिश की है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो किसी भी वक्त यहां आ सकती है। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? अंकल मैं रचना हूं, प्लीज दरवाजा खोलिए। जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अंकल ये देखिए, ये मेरा फोटो है और इस पे देखिए कैसे निशान बने हुए हैं। ये तो खून के निशान है। एग्जैक्टली, ऐसे निशान मेरे चेहरे पे भी बने हुए थे और अचानक ही गायब हो गए। और इस फोटो पर वो टाइगर और किंग के दांत भी रखे हुए थे। ओ, टाइगर और किंग को भी लगता है उस बुरी आत्मा ने मार डाला। हाँ, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? वो कनक के कमरे से। कनक के कमरे से? कनक तुम्हारी बहन नहीं है, वो कोई और है। उसके अंदर बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कनक जहां से लौट के आई वहां से कोई लौट कर नहीं आता। फिर वो कैसे बच गई? मतलब रचना, 13 माइल के पास से 13 दिसंबर को दिन के 12 बजे जो भी निकलता है मारा जाता है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। अब क्या करें अंकल? उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। वो जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। और मेरी मम्मी भी मेरी बात नहीं सुनती है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे उस बुरी आत्मा के साथ। पता नहीं इस वक्त वो बुरी आत्मा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या कर रही है। अब तक तो उस बुरी आत्मा ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। ओह माय गॉड, मौत उनके सर पर मंडरा रही है। मुझे तो लगता है मासी, जैसे ये घर मेरा है। तुम्हारा ही है बेटा, मेरे लिए तुम और रचना एक जैसी हो। मौसी, मैं तो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर अंकल, मैं क्या करूँ? कैसे बचा सकती हूँ मैं मम्मी डैडी की जान उस बुरी आत्मा से? कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अपना घर छोड़ के भाग जाओ, भाग जाओ अपना घर छोड़ के। हम उस बुरी आत्मा को यहाँ नहीं हरा सकते। तो हम कैसे हरा सकते हैं उसे? मुझे वहां जाना होगा, उस 13 माइल के पास। मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा को बचाओ, वो उन्हें भी मार सकती है। 13 माइल के पास जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सभी के रिश्तेदारों को उसने ऐसे ही मारा है। हम सब तुम्हारे साथ है बेटा, अब तुम भी कहीं नहीं जाओगी और हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम यही रहोगी हमारे पास। मौसी, मैं तो आप लोगों को क्या कनक, क्या आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। आ! आ!
दीदी दीदी आप मेरे साथ खेलोगी? ये बॉल तो मोनू का है, तुम मोनू का है? दीपक मोनू नहीं है। अरे बॉल है, मोनू भी आ जाएगा। लेकिन बॉल यहाँ पे खेला आ जाएगा ना, खेला होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये उसी लड़की की आत्मा हो सकती है जिसका 3 साल पहले किसी 13 भाई में एक्सीडेंट हुआ था। कनक के शरीर में कोई बुरी आत्मा है। क्या? यस, और वो यहाँ पे आई है सिर्फ हमारी फैमिली को मारने के लिए। मॉम, प्रोफेसर अंकल कह रहे थे 13 माइल से आज तक कोई भी बच के नहीं आया है। पाची दे दे। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब से कनक आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। रिमेम्बर उसके आते ही टाइगर और किंग कितने वायलेंट हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। और फिर आपका वो सीढ़ियों से गिरना, उसके बाद मेरे चेहरे पे वो निशान बने। मामी ये देखिए, ये फोटो और ये दांत उसके कमरे से मिले। मुझे तो लगता है कि वो टाइगर और किंग के दांत होंगे। ओह माय गॉड, प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अब क्या करूं दीपक? मॉम, हमें अभी यहाँ से चलना होगा, हम सबकी जान खतरे में है। हाँ लेकिन मोनू, मोनू कहाँ है? मोनू, मोनू, लीला, मोनू, मोनू, हेलो, रचना, या प्रोफेसर, देखो, अगर तुमको अपने परिवार को बचाना है, तो तुम्हें उस 13 माइल को तोड़ना होगा। क्योंकि उसमें वो बुरी आत्मा अटकी हुई है रचना। बुरी आत्मा? मैं वो काम नहीं कर पाया, अब तुम्हें वो काम करना होगा। ओह माय गॉड, अभी इसी वक्त। मुझे अभी वहां जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। नहीं दीपक, ये अकेले नहीं जा सकते। मॉम प्लीज चल, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मोनू, मोनू, लीला, लीला, मोनू यहाँ ऊपर भी नहीं है। तो कहाँ है दीपक? मम्मी, हम सबकी जान खतरे में है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है 13 माइल्स। समय बहुत कम है, मुझे जाना ही होगा। मम्मी आप लोग मोनू को लेकर तुरंत निकल जाओ, मैं आप लोगों को मिल लूंगी। रचना प्लीज, आई कॉन्टेक्ट यू। ये कौन? मोनू का है? मोनू का बॉल कनक के कमरे के बाहर था, मतलब मोनू भी कनक के कमरे में है। ओह माय गॉड, मोनू, मोनू, मोनू! अरुणा है। आज से 3 साल पहले 13 दिसंबर को 13 माइल्स में मेरा एक्सीडेंट हुआ। को
जो भी मेरे पास आता है मैं उसको और उसके परिवार को नहीं छोड़ती, और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोलो। लीला, क्या हुआ? मोनू मिला? क्या हुआ? मोनू बाहर? मोनू स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है दीपक? उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। मोनू! मोनू! दरवाजा कैसे बंद हो गया? मोनू! मोनू! चलो वहां चलो, ये भी बंद। मोनू! ठीक है बेटा, वो ठीक है।